मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर का आपका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड मतलब ये है आपके कि आपको पता है कि आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो सब गैप के थ्रू होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, बट क्या है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि बहुत सारे भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने का प्रॉपर मैनर नहीं है, मतलब कि कोई डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट मैथड फॉलो कर सकता है, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड फॉलो कर सकता है, ऐसे मतलब कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, बट आपको इनके अंदर आना चाहिए। इसी वजह से क्या होता है, जब आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं। आपका डिफरेंट टाइप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है, डिफरेंट टाइप का आपका बैलेंस शीट आती है। ठीक है, इस वजह से क्या है कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कि आपको एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए आया आपका AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, AS या IFRS आपका ये बताता है कि किस तरीके से आपको किसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, मतलब ये बताता है खाली आपको कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, और आपके AS और IFRS आपको ये बताते हैं कि अकाउंटिंग अंदर चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है, ये आपका IFRS या AS बताएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके दिए हुए 33-35 समथिंग है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS3 है, मतलब AS3 बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे किसको रिकॉर्ड करना है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। सेम इंटेंजिबल एसेट गुडविल का आपका दिया है AS 26 में, उसमें बताता है कि कैसे आपका गुडविल किया जाएगा। ठीक है, 26 या 27 है, आप देख लीजिएगा, शायद 26 ही होगा। ठीक है, तो मतलब है कि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गैप, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गैप जो है एक प्रकार से वो धुंधली तस्वीर लाता है सामने बिजनेस की, और जो AS है वो आपकी क्लियरिटी के साथ जो उसकी पिक्चर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसको सामने करता है। पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर गैप के थ्रू मतलब प्रिंसिपल के थ्रू जब आप बनाते हैं तो हो सकता है आपने कोई और मेथड फॉलो किया हो डेप्रिसिएशन के लिए, दैट्स वाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज हुआ हो, इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट भी चेंज हो गई हो। तो यही चीज़ है कि जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपके डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के लिए डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इसी प्रकार से जो यूजर्स होते हैं उनको भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके थ्रू वो कंपैरिजन करना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कि वो एक कंपनी और दूसरी कंपनी में कैसे कंपेयर करें, कौन बेटर है कौन नहीं है बेटर, क्योंकि दोनों की पूंजी दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि इसकी 1 लाख रुपये दिखा रहा है, इसकी 95,000 दिखा रहा है, तो आपने सीधे क्या बोलिए 1 लाख वाली सही है, बट हो सकता है कि इसने कोई रियल मेथड अप्लाई किया हो, इसने कोई नॉर्मल मेथड अप्लाई ना किया हो, इसने कुछ चीज़ें दिखाई हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिखा दिया हो या सीक्रेट रिजर्व दिखा दिया हो। ठीक है, इसलिए है कि आप क्या अगर आप एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं तो आपके क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी धुंधली रह जाती है, इसकी वजह से क्या आया आपका AS या IFRS इन्वेंट किया गया, जिसके थ्रू क्या है ये आपका क्लियरिटी के साथ आपकी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंपैरिजन करना बहुत ही ईजी और आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपका क्या है डेफिनेशन बता दें, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मे बी डिपेंड एज अ रिटन स्टेटमेंट इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल स्पेसिफाइंग यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिस फॉर ड्रॉइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि टाइम टाइम पे रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहता है कि कैसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि टाइम टू टाइम आपको ये प्रोवाइड करता है, टाइम टू टाइम आपको इंस्टीट्यूशन आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कैसे क्या रूल्स हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, कि जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टाइम टू टाइम प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स हैं प्रैक्टिसेस हैं वो सब प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है,
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द रिटन डॉक्यूमेंट विच डिफाइन या विच प्रोवाइड द टाइम टू टाइम रूल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो AS हैं उनका क्या नेचर है, ठीक है। नेचर सबसे पहले तो ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, मतलब ये नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट की, उसके तो जो नॉर्म्स निकलते हैं ये उनकी बताती कैसे हम अकाउंटिंग और कैसे हमें पॉलिसी बनानी है, कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है इसके बाद, ये आपका ये भी बताता है कि कॉस्ट का कि किस तरीके का आपको कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए, कि आपको कॉस्ट आपको लिखनी है या मार्केट वैल्यू लिखनी है। मतलब कि कॉस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आपको जो सुटेबल जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मतलब है कि जो AS हैं आपके वो आपके नॉर्म्स हैं, किसी भी प्रैक्टिस एंड पॉलिसी, अकाउंटिंग की प्रैक्टिस एंड पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए जो कोर्स हैं वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब कि अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस रहेगी, क्या पॉलिसी रहेगी, क्या प्रैक्टिस रहेगी, इसलिए जो कोर्स है वो आपके क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ये बताते हैं कि हमें कॉस्ट किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, मतलब इन्वेंट्री को किस मेथड से आपको रिकॉर्ड करना है उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसका दूसरा नेचर, इसका दूसरा ये भी तरीका है कि ये जो आपके AS हैं, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड पॉलिसी, सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल। मतलब है कि वो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड है, वो उन सबको हटा देता है, डाइवर्सिफिकेशन को हटा देता है। जब डाइवर्सिफिकेशन को रिमूव कर देता है तो केवल कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जब कुछ चीज़ें रह जाएंगी जिसकी वजह से क्या है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ हम कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे मान लो 10 मेथड हैं तो हम कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, अगर 2 मेथड हम कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपका AS जो है वो रिमूव करता है डाइवर्सिफिकेशन को। इसके बाद तीसरा है प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, साथ साथ क्या है, ये जो AS है वो आपको एक प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, एक प्रिफर्ड मेथड प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, एक सेट प्रोवाइड करता है या मेथड प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इसके बाद जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उसके बेस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर्स को, ठीक है। दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन एंड द रिस्पेक्ट दे अदर लाइक लॉ, और साथ ही साथ क्या है कि जो AS हैं वो एक लॉ के अंदर वर्क करते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो एक लॉ के अंदर वर्क करते हैं, मतलब उनके ऊपर भी लॉ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पहला तो क्या वो नॉर्म्स है, नॉर्म्स है किसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज का, या कोर्स है कि कैसे हमें किसी चीज़ को वैल्यूएशन करना है, जैसे स्टॉक है, इन्वेंट्री, कुछ भी है, ठीक है। दूसरा आपका है कि ये आपके कंपैरिजन करने लायक बनाता है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है, डाइवर्सिफिकेशन को रिमूव कर देता है, और कुछ चीज़ों को जो आपके इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको बस अप्लीकेबल रखता है। इसके बाद आपका है प्रिफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, साथ ही साथ क्या जो अकाउंटिंग में जो प्रॉब्लम होती है उनको सेट करने के लिए प्रिफर्ड करता मेथड, जो बहुत सुटेबल मेथड है वो आपको बताता है कि इस मेथड से आपको इस चीज़ को प्रिपेयर करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है वो इस तरीके से जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ क्या है, ये आपके लॉ के बेस पे होती है, लॉ के अंदर लिमिट में रहती है, ठीक है। इसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला है कि ये इंश्योर करना कि जो हमारा यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं, FS प्रिपेयर किए हैं और उनको प्रेजेंटेशन किया है, वो क्या यूनिफॉर्म है या नहीं है। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं वो हर एक कंपनी का यूनिफॉर्म नेचर में है या नहीं है, यही चीज़ है। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वही चीज़ है कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो सब सभी के ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म नेचर के होने चाहिए।
दूसरा है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स अबाउट द पॉलिसी अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो उसमें आपने जो पॉलिसी अडॉप्ट की हो, जो पॉलिसी आपने फॉलो की हो, आपको उसमें इन्फॉर्मेशन उसको बताना चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर्स को आपको बताना चाहिए कि आपने स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया उसमें कौन सी पॉलिसी फॉलो की है। फिर है टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। साथ साथ क्या है, डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस को रिमूव किया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमको यहाँ से रिमूव करते हैं जो बहुत लेंदी हैं या बहुत ज़्यादा हैं। फिर है टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब ज़्यादा हमें टाइम टू टाइम चेंज नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए मतलब कुछ भी चीज़ें छिपाई ना गई हों, और कंपेरेबिलिटी मतलब ऐसा हमें प्रोवाइड करना जिससे कि हम कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे कि जो नई बैलेंस शीट बनती है उसमें क्या करते हैं, दो ईयर का डेटा रहते हैं जैसे कि कंपेरिजन कर सकें, और सभी बैलेंस शीट उसी तरीके से बनती है हर एक कंपनी की। टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ ही साथ ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना है, मतलब किसी भी कंपनी के किसी भी एयर्स का हमें उद्देश्य है कि उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को बढ़ाना। तो मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं या प्रेजेंटेशन किए प्रेजेंट कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब हर एक कंपनी का यूनिफॉर्म नेचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए और प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या दूसरा है आपका, जो हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर्स को उसमें हमें लिखना चाहिए, क्लियरली लिखना चाहिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज एंड पॉलिसी हैं जो उनको हम रिमूव करते हैं, उनका इफेक्ट रिमूव करते हैं। साथ ही साथ है आपका इसमें आपका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी मतलब कि जो हम पॉलिसी बना रहे हैं वो कंसिस्टेंट रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब है हम सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कुछ भी छुपाएं नहीं, और साथ साथ क्या आपका कंपेरेबिलिटी डेटा को ऐसे प्रोवाइड करना जैसे कि हम कंपेरिजन कर सकें इजीली। ठीक है, फिर आपका क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करना, मतलब कि बिजनेस की जो क्रेडिबिलिटी है लोगों के सामने उसकी साख है अपनी क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता है, उन दोनों को ही इंक्रीज करना है। जैसे कि क्रेडिबिलिटी के थ्रू क्या है उस बिजनेस को किसी को उधार लेने में सहायता होगी, गुडविल अच्छी होगी उसकी, रिलायबिलिटी क्या उसकी विश्वसनीयता अच्छी रहेगी। चलिए इसके बाद आपका है यूटिलिटी, मतलब जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनका क्या उपयोग है, क्या उनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी ठीक है, पहला यूटिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी मतलब क्या है इसमें कि आप क्या करते हैं कि जो आपके बहुत सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब आपने उसमें कुछ भी छुपाया नहीं और आपने जो उसमें एग्जिट थे आपने वो सभी बताई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनका आपके ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ती है, आपके ऊपर वो विश्वास ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जब रिलायबिलिटी बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, आपके सबके सामने आपकी क्या होती है साख बढ़ती है, साख क्रेडिबिलिटी मतलब साख, साख मतलब गुडविल। ठीक है, तो मतलब है कि जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा प्रिपेयर करेंगे और आप उसमें सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, तो लोग क्या करेंगे आपके सामने उनकी विश्वसनीयता आपकी विश्वसनीयता बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपको पता है कौन कौन होते, क्रेडिटर हैं, एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, बहुत सारे। ठीक है, अगर आप इनको ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस बताएंगे तो क्या होगा उनके सामने आपकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। दूसरा यूटिलिटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और उनमें साथ में कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी रखें, मतलब हर साल क्या करें आप एक ही वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शन को दिखा रहे हैं, जो भी आप अकाउंट्स दिखा रहे हैं वो अकाउंट्स भी रिकॉर्ड कर लें, या वो पॉलिसी भी आपकी क्या होनी चाहिए कंसिस्टेंट रखनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा उसके अंदर की जो पॉलिसीज हैं उन सभी को आपको कंसिस्टेंट रखना चाहिए, ये आपका ईएस बताता है।
साथ ही साथ बताता है कंपेरेबिलिटी कि हमें इन्फॉर्मेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करनी है, हमें चीज़ों को ऐसे रखना है जिससे कि कंपेरिजन करना बहुत ही ईजिली हो जाए, जैसे कि हम एक ट्रांजेक्शन में दूसरे ट्रांजेक्शन कंपेरिजन कर सकें। जैसे कि आपका होता है कि हमें प्रॉफिट का कंपेरिजन करना है तो प्रॉफिटेबिलिटी का कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें निकालना है कि अगर हम कंपेरिजन नहीं करेंगे, जैसे हमें निकालना है कि एक कंपनी के दूसरी कंपनी से क्या कंपेरिजन है, तब क्या लिखेंगे, देखेंगे हमें प्रॉफिट का क्या कंपेरिजन चल रहा है, लॉस का क्या है, हमारी एसेट कितनी है उसकी एसेट कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है उसकी कैपिटल कितनी है, हमारा रिटर्न कितना है उसका रिटर्न कितना है। तो मतलब क्या है कि हमें कंपेरेटिव स्टडी साथ साथ कंसिस्टेंसी होना भी जरूरी है। तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप। जो हमारे वेरियस ग्रुप हैं, जैसे कि जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो उसको एएस के थ्रू सुलझाया जाता है। मतलब कि एएस में आपका क्लियरली लिखा रहता है कि किस चीज़ को कैसे प्रिपेयर किया गया है। जैसे कि कोई ओनर है, ओनर कहेगा हमें इतना हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, क्रेडिटर कहेगा हमें ये इन्फॉर्मेशन दो, कोई कहेगा हमें ये इन्फॉर्मेशन दो। इसके लिए क्या है, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो एएस ने क्लियर बता रखा है कि किसको कितना कंडीशन में कितना क्या दिया जाएगा, या कौन सी इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाएंगी, या किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्या ट्रीटमेंट है। जैसे कि ओनर बोल रहा है कि आपको जो चीज़ें हैं उनको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पर रिकॉर्ड करना है, और क्रिएटर क्या बोल रहा है कि नहीं आपको मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, या ओनर बोल रहा है मार्केट पर रिकॉर्ड कीजिए, वो कह रहा है क्रिएटर उस पर रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। ऐसे जब आप कर रहे हैं तो इसमें क्या आपकी एएस हेल्प करता है कि आपको किस तरीके से वैल्यूएशन करना है, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड। साथ ही साथ है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको जो आपके मैनिपुलेशन होते हैं या जो फ्रॉड होने की चांसेस हैं उनको बिल्कुल भी कम कर देता है, या बिल्कुल रिमूव करता है, क्योंकि एएस में आपका लिखा रहता है, क्लियरली चीज़ें लिखी रहती हैं कि किसको कैसे रिकॉर्ड करना है। इसकी वजह से क्या है, कोई भी उसको अकाउंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उनको छेड़खानी नहीं कर सकता, विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकता, साथ ही साथ फ्रॉड भी नहीं कर सकता है, ओके। इसके बाद है हेल्पफुल इन ऑडिटर, साथ ही साथ ऑडिटर को हेल्पफुल भी करता है। हेल्प ऑडिटर भी होता है जो आपकी बुक को चेक करता है लास्ट में। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू इंश्योर दैट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन केस ऑफ डेविएशन इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट्स ऑफ द फर्म। मतलब है कि आपका जो ऑडिटर होता है कंपनी का, वो चेक करता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या कंपनी ने फॉलो किया है या नहीं किए हैं। अगर फॉलो किए तब तो ठीक है, अगर फॉलो नहीं किए तो उसको देखना पड़ेगा, और अगर उसको सही मैनर में फॉलो नहीं किया कंपनी ने, वो भी उसको अपनी रिपोर्ट पर लिख के देना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसने फॉलो नहीं किया है और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से उसने फॉलो नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक प्रकार से आपकी गाइडलाइंस हैं, आपके रूल्स हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसमें आपके अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं, उसी तरीके से ये भी है कि आपका एक प्रकार से आपको वो लॉ है जो आपको प्रोवाइड करता है, आपको बताता है कि कैसे आपको क्या चीज़ को रिकॉर्ड करना है। फिर इसकी कुछ लिमिटेशन आती हैं, जैसे है रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर, दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। साथ साथ क्या, पहला ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, मतलब कि बहुत सारे लोग इनिशिएट लेते हैं कि अपने स्टेटमेंट को बहुत सजा करके प्रेजेंट करना, ये बहुत अट्रैक्टिव प्रेजेंट करना। तो क्या है, एएस आपका ये बोलता है नहीं, आपको कोई भी किसी भी तरीके से आपको डिजाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके से आपको बहुत इनिशिएट मतलब प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे मैंने बोला आपको खाली उतना ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये आपको जिस तरीके से एएस बताया गया वैसे ही आपको बनाना है। आप उसको अलग तरीके से अपने आप अपना खुद का इनिशिएट लेकर के आप उसको बना नहीं सकते। जैसे कि मान लो हमने बोला कि इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, तो मतलब है कि आप अपना इनिशिएट लेकर के आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते, जैसा हमने बोला आपको वैसे बना चाहिए। तो इसलिए क्या है, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, मतलब ये इनिशिएट लेने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। राइट रिगिड इन नेचर, अकाउंट स्टैंडर्ड रिगिड इन नेचर, मतलब ये कठोर होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आप इनको अगर चाहें कि लोग फ्लेक्सिबल कर सकें अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, अकाउंट स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर शोन ऑन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड सच डिप्रिसिएशन इज़ आल्सो चार्ज ऑन द, और जो आपके अकाउंट स्टैंडर्ड है वो आपके हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के बेस पे होते हैं। इट इज़ फॉर द रीजन दैट IFRS वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिक्वायर्ड टू शोन एट द करंट फेयर वैल्यू एज द एज। अब देखिए, एएस आपको बताता है कि आपको जो एसेट्स वगैरह हैं उनको हिस्टोरिकल वैल्यू को रिकॉर्ड करना है और डेप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाना है, बट जो आपका IFRS है वो आपका बताता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है समय एसेट की, आपको खाली वो दिखानी है, ठीक है। इसी वजह से IFRS का इन्वेंशन किया गया था एएस के बाद, ठीक है। फिर है ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एज द स्टैंडर्ड एज
मैंडेटरी, मतलब है कि स्टैंडर्ड और मैंडेटरी होते हैं। इस वजह से क्या है कि जो ऑडिटर है उसका जो जो उसके डिसीजंस हैं उसको यहाँ पे चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब कि उसको डिसीजन लेने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिमिटेशन थी और आपके एडवांटेज थे। तो AS का मतलब है कि AS एक डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम को आपको कैसे अकाउंटिंग प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज को आपको प्रिपेयर करना है और कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप इन चीज़ को पढ़ेंगे, कलम बताएंगे IFRS।